बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा सलाम। नमस्ते, मैं हूँ प्रतीक उपाध्याय और आज इस चैनल के माध्यम से मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं जो भी थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को लेकर, या जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है मेरे पास, मैं अपने वीडियोस के ज़रिए आप सभी के साथ वो बांटना चाहूँगा। मेरे गुरु श्री रमाकांत तिरोड़कर सर, जिनसे मैं अभी भी संगीत की तालीम ले रहा हूँ, आज मुझे जो भी आता है उन्हीं की वजह से आता है। आज मेरे पास जो भी संगीत है उन्हीं की वजह से है और आज मैं जो भी कर पा रहा हूँ उन्हीं के सपोर्ट की वजह से कर पा रहा हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन्हें शुक्रिया करना चाहूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम राग भूप की बात करेंगे, जिसे कि राग भूपाली भी कहा जाता है। दक्षिण भारतीय संगीत यानी कि कर्नाटिक म्यूजिक में इस राग को राग मोहन के नाम से जाना जाता है। ये एक कल्याण थाट की राग है। हालांकि इस राग में तीव्रमा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, फिर भी इसे कल्याण थाट की एक राग माना गया है। आप इसे एक एक्सेप्शन कह सकते हैं। इस राग का आरोह और अवरोह या इस राग में इस्तेमाल होने वाले स्वर कुछ इस प्रकार है। सारे ग प ध सा ध प ग रे सा। इस राग में म और नी नहीं गाया जाता है, यानी के म और नी ये दोनों ही स्वर इस राग में वर्जित है। आरोह और अवरोह में केवल पांच पांच स्वर होने के कारण ये राग की जाति ओढ़व ओढ़व है। इस राग का वादी स्वर ग है और संवादी स्वर ध है। इस राग का गायन समय रात का पहला प्रहर है। इस राग की पकड़ कुछ इस प्रकार है। प ग रे ग सा रे ध सा, या फिर ग रे प ग ध प ग रे ध ध सा। इस राग का वादी स्वर ग होने के कारण ये एक पूर्वांग प्रधान राग है। इस राग को अधिकतर मंद्र और मध्य सप्तक में गाया जाता है। सप्तक यानी कि ऑक्टेव। आप इस राग में सा ग और प पर न्यास कर सकते हैं। राग भूप से मिलती जुलती एक और राग है जिसका नाम है राग देशकार। देशकार के स्वर भी सा रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा है। दोनों के स्वर समान होते हुए भी दोनों में बहुत अंतर है। राग देशकार बिलावल थाट की राग है और वहीं राग भूप कल्याण थाट की राग है। राग देशकार का वादी स्वर ध है और संवादी स्वर ग है, और राग भूप का वादी स्वर ग है और संवादी स्वर ध है। राग भूप गाते समय आपको ये बात का ध्यान देना होगा कि आप ध को ज़्यादा अहमियत ना दें। ध को अहमियत देने से राग भूप राग देशकार में बदल जाएगी। ध पे न्यास, तार सप्तक में ज़्यादा गाना, ये सब राग देशकार की निशानी है। जैसे कि सा रे ग प ध प ध सा ध ग प ध रे सा ध प। एक और चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि भूप गाते समय प रे की जो संगति है वो आप ना दिखाएं तो बेहतर है, क्योंकि वो राग भूप को राग शुद्ध कल्याण में बदल देता है। जैसे कि सा रे ग प रे सा, तो ये राग शुद्ध कल्याण बन जाती है। राग भूप में ध्रुपद, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल और तराना गाया जाता है, पर इस राग में ठुमरी नहीं गाई जाती। उम्मीद है कि सभी शास्त्रीय संगीत प्रेमियों को इस जानकारी से राग भूप को जानने में थोड़ी आसानी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलना होगा फिर अगले वीडियो में। कीप सिंगिंग, कीप लिसनिंग, साइनिंग ऑफ।